सरकारी नौकरियों का कई कारणों से महिला उम्मीदवारों के बीच काफी क्रेज रहा है। महिलाओं के बीच सरकारी नौकरियों का क्रेज इसीलिए भी रहा है क्योंकि यहां हर मायने में लोगों को सहूलियत मिलती है। अधिकांश सरकारी नौकरियों में काम करने के घंटे तय होते हैं, बेहतर छुट्टी की नीतियां हैं और किसी भी निजी नौकरी की तुलना में अधिक छुट्टियां भी होती हैं। ये सभी एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस रखने के लिए मदद करते हैं। सरकारी नौकरी में मिलने वाले मातृत्व लाभ किसी भी निजी नौकरियों से बेहतर माना जाता है। सातवें वेतन आयोग के बाद सरकारी नौकरी का वेतन निजी नौकरियों के बराबर हो गया है। यहाँ महिलाओं के लिए विकास के समान अवसर है। भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छी सरकारी नौकरियां कौन कौन सी हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। महिलाओं में बैंक की नौकरी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ये एक अच्छा वेतन, बेहतर अवकाश लाभ, निश्चित काम के घंटे, एक प्रतिष्ठा और बहुत कुछ लाभ देती है। इसके अलावा सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई स्थानांतरण नीतियों के साथ एक महिला के लिए जब भी जरूरत हो अपने परिवार के करीब स्थानांतरण करना आसान हो जाता है। साथ ही बैंक की नौकरी के साथ आने वाली स्थिरता और सुरक्षा की भावना की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में और अधिक सभी महिला शाखाओं के साथ आने से रोजगार और विकास का दायरा भी बढ़ रहा है। यदि आप भी बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी करना चाहती हैं, तो आपके लिए IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB ग्रेड B, RBI असिस्टेंट जैसी पोस्ट आपके लिए सूटेबल हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं। भारतीय रेलवे में नौकरी न केवल अच्छे वेतन के साथ आती है बल्कि आवास, यात्रा पास, किफायती स्वास्थ्य सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ और बहुत कुछ जैसे अद्भुत भत्ते भी मिलते हैं। बैंक की नौकरियों के अलावा रेलवे में भी स्थिति के आधार पर ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। भारतीय रेलवे मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 साल तक की छुट्टी भी देती है, लेकिन इसके लिए आवेदन करना होता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB रेलवे में कई पदों पर भर्ती करता है जो महिलाओं के लिए एकदम सही है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे RRB JEE, रेलवे RRB NTPC, रेलवे RRB ALP। आप इन सभी में से किसी भी पद के लिए योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए एक और बेहद आकर्षक और पसंदीदा जॉब है SSC नौकरियां। कर्मचारी चयन आयोग SSC, आयकर, CBI, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य विभागों में केंद्र सरकार के तहत विभिन्न पदों को भरने के लिए हर साल एक संयुक्त स्नातक सत्र CGL परीक्षा आयोजित करता है। इन नौकरियों के बारे में प्रमुख लाभ ये है कि वे काम में स्थिरता प्रदान करते हैं। SSC CHSL को 10वीं और 12वीं की योग्यता रखने वाली महिलाओं के लिए सबसे अच्छी नौकरी माना जाता है। इसके अलावा UPSC के तहत महिलाओं के लिए विभिन्न पद उपलब्ध हैं। अच्छे वेतन के साथ साथ ये नौकरियां अन्य सरकारी नौकरी के लाभ भी देती हैं। इसके अलावा UPSC के तहत IAS, IFS और IPS जैसी विभिन्न सिविल सेवा नौकरियां न केवल सबसे अधिक मांग वाली हैं, बल्कि इसमें अच्छी सैलरी और प्रतिष्ठित भी हैं। वहीं टीचिंग जॉब को हमेशा महिलाओं के लिए सबसे अच्छे जॉब में से एक माना जाता है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में उम्मीदवारों के मूल्यांकन और नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार हर साल टेट की परीक्षा आयोजित करता है। कुछ राज्य इसके लिए राज्य स्तरीय परीक्षा भी आयोजित करते हैं। टीचिंग कार्य के प्रमुख लाभों में से एक छुट्टी का समय है। छुट्टी का समय माताओं के लिए वरदान के रूप में आता है। महिला उम्मीदवारों के लिए पुलिस नौकरी भी एक अच्छा विकल्प है। काफी महिलाएं इस पेशे में तैनात हैं। भारतीय पुलिस, राष्ट्रीय और राज्य दोनों सभी जॉब प्रोफाइल महिला उम्मीदवारों के लिए खुली हुई हैं। इसीलिए देश की सभी युवा लड़कियां और महिलाएं राज्य स्तरीय SI, ASI, कांस्टेबल की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। अधिकांश पुलिस की नौकरी के लिए आने वाली नोटिफिकेशन में महिलाओं को किसी भी आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाती है। भारत में महिलाओं के लिए डिफेंस नौकरियां भी काफी पसंद की जाती हैं। AFCAT, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना अविवाहित महिला ग्रेजुएट उम्मीदवारों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती हैं। महिला NCC कैडेट भी भारतीय सशस्त्र बलों में स्पेशल एंट्री के लिए अपने NCC सर्टिफिकेटों का उपयोग कर सकती हैं। इनके अलावा अगर आप घर बैठे या आसपास ही नौकरी करना चाहती हैं, तो इंश्योरेंस नौकरियां आपके लिए एक सुखद और भरोसेमंद पेशा बन सकता है। भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि देखी गई है। बढ़ती बीमा जागरूकता, सेवानिवृत्ति योजना, बढ़ती मध्यम वर्ग और युवाओं की भीड़ भारत में बीमा क्षेत्र के विकास में काफी वृद्धि करेंगे। कुछ बीमा परीक्षाएं हैं जो सरकार शासित स्वामित्व वाली बीमा कंपनियां हैं।
इनमें भी नौकरी करना महिलाओं के लिए काफी हद तक अच्छा माना जाता है। इस पेशे में आने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस, NIACL, NICL, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड में आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही अलग अलग जानकारियों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।